हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पर जो नए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और वीडियो आप लोग पूरा देखो और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो। तो आज है दिन शनिवार, मैं जा रही हूँ दिया जलाने। मैं सुबह जल भी देती हूँ शनि जी का, सवा महीने से नहीं दे रही थी। मेरे चचिया ससुर ख़त्म हो गए थे तो छूतक था, इसलिए मैंने नहीं, सवा महीना, आज से मैंने, आज शनिवार है तो आज मैंने सुबह जल भी दिया था शनि जी को। और इस टाइम जा रही हूँ दिया जलाने, पहले घर पे दिया जलाऊंगी, फिर मंदिर नहीं जाऊंगी। दोस्तों हमारे सामने ही पीपल का पेड़ है, उसी में मैं जल भी देती हूँ सुबह उठ के और दिया भी जलाती हूँ वहीं शाम को। मंदिर नहीं जाऊँगी, जाऊँगी किसी दिन मंदिर, आप लोग को दिखाऊँगी मैं। दोस्तों यह है पीपल का पेड़, इसी में मैं जा रही हूँ दिया जलाने। ये जहाँ रेड़े खड़े हुए हैं, बरगद का भी है, पीपल का भी है, ये पीपल का पेड़ है, इसी में जा रही हूँ दिया जलाने। इसी में सुबह जल भी देती हूँ, हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है ये। मेरा ऊपर है कमरा मेरा और सामने है, वहीं पर मैं जा रही हूँ। दोस्तों मैं घर पे जला रही हूँ अपने मंदिर में ही दिया। मेरा छोटा सा मंदिर है, मंदिर भी नहीं है, मैंने ऐसे ही बना रखा। दोस्तों दोस्तों आप लोग भी आशीर्वाद ले लो शेरा वाली माता का, शनि भगवान का, बजरंग बली का, सभी देवते का। आप जितने देवते हैं सबका आशीर्वाद ले लो आप लोग भी। और हम जा रहे हैं नीचे ये शनि जी का दिया जलाने। चलो दोस्तों फिर आप लोग से मिलती हूँ। दोस्तों मैं दिया जला के आ गई शनि जी का, और गर्मी बहुत पड़े दोस्तों, अंधेरा भी आ रहा, 7:30 बज रहा रात को, इसलिए अंधेरा से आ रहा। दोस्तों मैं शनि जी का पहले नहीं करती थी पूजा, ना शनिवार को जल भी नहीं देती थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो गांव में मेरी मामी ने दिखाया था तो कह रहे थे शनि जी का गरा है, आप शनिवार को जल दिया करो और उनका दिया जलाया करो पीपल के पेड़ के नीचे, या शनि जी का मंदिर हो, हमारे पास ही में है शनि जी का मंदिर, जाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी, मैंने बोल भी रखा। आज हमारे भांजी का जन्मदिन था, मुझे याद नहीं था, उनका विजय लक्ष्मी नाम है उनका। अभी वो फ़ोन करे तो बताने लग गई, मामी मेरा जन्मदिन है। दोस्तों आप लोग दुआ करना, मेरी भांजी जो चाहती हैं, जो पढ़ने में तेज भी बहुत हैं, वो पढ़ने में तेज, ऊपर वाला उन्हें मेरी भी उम्र लगा दे, ये मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। और जो उनका है मनोकामना सब उनका पूरा हो।